बंगला करीब 6 करोड़ रुपए में बिका है। इसके साथ ही उनका प्रयागराज से 6 दशक पुराना नाता टूट गया। ये रिपोर्ट देखिए। बंगला नंबर 10A टैगोर नगर का अपना एक इतिहास है। प्रयागराज के लोगों के लिए ये बंगला बीजेपी के हेडक्वार्टर से कम नहीं था। इस बंगले को लोग आंगिरस के नाम से जानते हैं। प्रयागराज के लोग यहाँ आसानी से अपने जनप्रिय नेता से मिलते थे, काम हो या न हो, लेकिन यहाँ से वो संतुष्टि का भाव जरूर लेकर जाते थे। लेकिन एक हार ने सब कुछ बदल दिया। उसी हार की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी का प्रयागराज से मन टूट गया। वो अब दिल्ली के 6 रायसीना रोड तक सीमित है। शायद यही वजह है अब उन्होंने अपने पड़ोसी मित्र आनंद मिश्रा को ये बंगला एक मोटी रकम में बेच दिया। इस घर में आने के 2 साल बाद डॉक्टर जोशी यहाँ पर आए थे। तब उनकी शादी नहीं हुई थी, ही वॉज अ बैचलर देन, और तब से उन्हीं के साथ हम रहते हैं। हम लोग के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे जो कि फादर भी यूनिवर्सिटी में थे, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के थे, और ये भी प्रोफेसर फिजिक्स में उसी यूनिवर्सिटी में थे, तो इसलिए अच्छी खासी दोस्ती थी दोनों में। जोशी जी के इस निर्णय से 60 सालों का प्रयागराज से उनका नाता टूट गया। 1954 में जब जोशी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुई तो उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया, जिसका बाद में 1997 में डॉक्टर जोशी ने नए सिरे से निर्माण कराया था। जोशी जी के पड़ोसी के तौर पर रहना आनंद के लिए गर्व की बात थी। शायद बंगला खरीदने के बाद भी ये इसीलिए भावुक हैं कि अब जोशी जी उनके पड़ोसी नहीं रहेंगे। ये बंगला तो उन्होंने बेचने की सोची तो फिर वही हम खरीद रहे हैं उसे, और चूंकि हमारी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इस मकान से और इस जगह से, इसलिए हम चाहते थे इसको खरीदना। बस दोनों किस्म की फीलिंग्स हो रही है, हमें खुशी भी हो रही है क्योंकि हमने अपने बचपन का एक तो जो इमोशनल जिससे अटैचमेंट था वो हमने खरीदा है, और दुख इस बात का हो रहा है कि हमें एक अच्छा पड़ोसी हम खो रहे हैं। आंगिरस जोशी जी के राजनीतिक सफर का गवाह भी रहा। ये बंगला राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। इस बंगले में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, भारत रत्न नानाजी देशमुख का आना जाना था। लेकिन अब आंगिरस आनंद का हो गया। करीब 6 दशक तक यहाँ पर यह राजनीतिक सफर उन्होंने इसी बंगले में शुरू किया था, और यहाँ पर वरिष्ठ नेता भी का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री हो रही है, और इसी के साथ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की इलाहाबाद से भावनात्मक रिश्ता अब टूटने जा रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और खबर ललितपुर से, जहाँ पर